Rahim, assalamu alaikum. I am your teacher, Ms. Aisha Altaf. Again, today is the third day of your lecture. Open your page 6, class 4, and today we will read about the types of muscles. Okay, type of muscles. Patthon ki exam. Muscles kehte hain patthon ko. There are three types, different types of muscles. पट्टों की तीन किस्में होती हैं. टाइप्स ऑफ मसल हैं इधर हमारे पास, और हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे. स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स कहते हैं नरम पट्टों को, ठीक है. स्मूथ अप द इंटरनल होलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. खोखले उजू, आपके जिस्म के खोखले उजू होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द स्टमक, मिसाल के तौर पर आपका मैदा. Intestines, आंतें, and bladder और मसाना are made up of smooth muscle. ये smooth muscle से मिलकर बने हैं, ठीक है. फिर है how it work, ये कैसे काम करता है. Smooth muscles are also called involuntary muscles. Smooth muscle को involuntary muscles भी कहते हैं. Involuntary muscles perform their job without you even thinking about it. Involuntary muscles वो आपके काम को सर अंजाम देते हैं आपके सोच से पहले. They keep doing their work automatically. वो अपना काम खुद बखुद करते हैं. If they needed your instruction, अगर उनको आपके हिदायत की ज़रूरत भी हो. Just imagining what could happen, सिर्फ ये सोचे कि क्या होगा. If you ate something, अगर आपने कुछ खाया हो. And forgot to instruct your stomach to digest it, और आपने अपने मैदे को हिदायत ना की हो, आप भूल गए हो कि कैसे इसको हजम करना है, ठीक है. ये स्मूथ मसल्स है, ठीक है. हमारे जो जिस्म के नरम आज़ा है वो उसे स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है. फिर है कार्डिक मसल. कार्डिक मसल मतलब वो मसल जो कि हमारे दिल से रिलेटेड हों, ठीक है. द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डिक मसल. वो मसल जो कि आपके दिल से मुतालिक हो, वो आपके दिल को बनाते हैं, उसको कहते हैं कार्डिक मसल. लाइक द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स की तरह. दे आर इनवॉलेंट्री मसल, जैसे कि वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं. द कार्डिक मसल्स आर अटैच टूगेदर. कार्डिक मसल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. इंस्टेड ऑफ बींग अटैच टू अ बोन, एक हड्डी से मिलने के बजाय एक दूसरे के साथ खुद बहुत जुड़े होते हैं. कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. कार्डिक मसल खून को पंप करती है, ठीक है. एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इन, और उसमें दोबारा उसको खून निकालने और दोबारा रिलैक्स करने के लिए खून देने में हेल्प करता है. एंड आफ्टर इट सारे जिस्म में घूमने के बाद, ठीक है. आप लोग को समझ आ गई कि हमारे जो मसल हैं कार्डिक मसल, वो हमारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं खून देने और लेने में, और अपने सारे जिस्म में वो घूमते भी हैं, ठीक है. थर्ड है स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स कहते हैं ढांचे से जुड़े हुए. मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन. स्केलेटल मसल्स नसों के साथ हड्डियों से जुड़े होते हैं. टेंडन्स आर थिक स्टैंड और शीट्स ऑफ टिश्यूज. टेंडन्स बहुत ज़्यादा मोटी चादर की शीट्स होती हैं ऑफ टिश्यूज. दैट अटैच टू अ बोन टू अ मसल्स. द स्केलेटल वाला skeletal muscles. skeletal muscles are joined to the bones by tendon. skeletal muscles नसों के जरिए हड्डियों में से मिले होते हैं. tendons are thick strands or sheets. tendons नसें बहुत ज़्यादा मोटे किनारे होते हैं, या और sheets of tissues या tissues की चादरें होती हैं. that attach to a bone to a muscle, जो कि एक मसल के साथ एक हड्डी से जुड़े होते हैं. हाउ इट वर्क, देखते हैं कैसे काम करता है. स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल. स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं. दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव. इसका ये मतलब है कि हम जिस तरह उसको चाहें हरकत दे सकते हैं. यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू. आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वो
क्या करते हैं, दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल, वो हमारे हरकत, बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये हमारे हड्डियों के साथ काम करते हैं हमारे जिस्म को ताकत और मजबूती देने के लिए। यहाँ तक आज का सबक काफ़ी, थर्ड डे का लेक्चर। आप लोगों को मैं वर्ड्स मीनिंग बताती हूँ, आप लोग लिखें अपने साथ और याद करें उसको अंडरलाइन करके। इधर है